मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की पुलिस ने कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया और थाने में उनसे कपड़े उतरवाए और उनके फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। यहां तक कि हवालात में इन पत्रकारों को सिर्फ अंडरगारमेंट्स में ही बिठाया गया था। इन पत्रकारों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन लोगों ने भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबर लिखी थी। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और पुलिस कैसे किसी को थाने के अंदर इतना जलील कर सकती है। सीधी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाघेली भाषा में यूट्यूब पर चैनल चला रहे कनिष्ठ तिवारी समेत कुछ अन्य पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उन पर केदारनाथ शुक्ला के बेटे की फेक आईडी बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है और इस मामले में FIR भी विधायक के बेटे ने दर्ज करवाई है। गिरफ्तार किए गए पत्रकार कनिष्ठ तिवारी के यूट्यूब चैनल पर करीब 1 लाख से भी अधिक फॉलोअर है। इसके अलावा एक टीवी चैनल का भी एक पत्र सामने आया है जिसमें कनिष्ठ तिवारी को फ्रीलांस पत्रकार होने की पुष्टि होती है। वही सीधी पुलिस ने अभद्र टिप्पणी करने वाले नीरज कुंदेर को भी गिरफ्तार किया था। ये पूरा मामला दरअसल 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। कुंदेर की गिरफ्तारी के बाद कनिष्ठ समेत रंगमंच और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में विरोध दर्ज कराया था और पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया था। कनिष्ठ तिवारी यूट्यूब चैनल चलाते हैं मगर पुलिस कोतवाली में आरोपियों की बिना कपड़ों की तस्वीरें खींचकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसे लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधी थाने में इन पर धारा 419, 420 और IT एक्ट 66C, 66D के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और फोटो वायरल होने के संबंध में DSP के नेतृत्व में इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।